मेरा नाम रेनू है, मैं गांव पाटन से हूँ। मैंने यहाँ रेड इंडिया ज्ञान केंद्र से सिलाई सीखी है, उसमें मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ है। मैं अपने भी कपड़े सिलती हूँ और किसी और के भी सिलती हूँ, और मैं आज इस मुकाम पर पहुँची हूँ। मैं 3 से 5 हज़ार रुपये अपने कमा सकती हूँ और किसी और को भी सिलाई सिखा सकती हूँ। मैं गीजगढ़ ज्ञान केंद्र से, कोई और आगे ज्ञान मिलता है तो मैं अपना नाम लिखाना चाहूँगी। नाम दीपिका गुप्ता है, मैं गीजगढ़ गाँव से हूँ। मैं रेड इंडिया से मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैं एक टूरिस्ट की ट्रेनिंग कर रही हूँ इस टाइम पे, और मैंने सिलाई भी रेड इंडिया से ही सीखी है, रेड इंडिया की संस्था से। मैंने जो भी कुछ सीखा वो मेरे सब कुछ आया, और मैंने उससे 2-3 हज़ार रुपये पर मंथ कमा लेती हूँ, और आगे भी ज़्यादा भी कमा लेती हूँ, कभी कम भी हो जाता है। और मतलब मैं एमए ग्रेजुएट हूँ, मैं एमए कर रही हूँ इस टाइम पे, और मैंने बीएससी करा हुआ है। अगर कोई भी ट्रेनिंग के लिए हमेशा मैं तैयार हूँ, कोई भी ट्रेनिंग आए, जैसे अभी क्यों टूरिस्ट की ट्रेनिंग चल रही है, इसमें भी मैं रही हूँ, और आगे भी कोई भी ट्रेनिंग आएगी तो उसमें रहूँगी। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रीति अग्रवाल, आई एम फ्रॉम गीजगढ़। गीजगढ़ इज़ इन राजस्थान। माई फादर्स नेम इज़ मिस्टर गोविंद नारायण गुप्ता, ही इज़ ए लाइब्रेरियन। माई मदर्स नेम इज़ मिसेज उषा देवी, सी इज़ ए हाउस वाइफ। आई हैव 6 मेम्बर इन माई फैमिली। आई हैव 3 ब्रदर्स। I complete my study MBBS. At present I am doing a job. गीजगढ़ ज्ञान केंद्र से सबसे पहले मैं सिलाई के माध्यम से जुड़ी। सिलाई में मैंने पेटीकोट, ब्लाउज, बैग्स वगैरह सिलने सीखे। फिर उसके बाद में मैं अपने खुद के घर के बैग्स, पेटीकोट, सूट वगैरह सब सिलने लग गई। फिर बाहर का जो आता था वो भी सिलने लग गई। फिर मैंने रूही मैम के साथ इंग्लिश स्पोकन की क्लास ज्वाइन करी। उसके बाद मैंने स्कूल ज्वाइन करी। फिर मैं आज तक स्कूल में पढ़ा रही हूँ और कमा रही हूँ। अभी तक कितना पर मंथ कमा पाते हैं? पहले तो 3000 था, अब 6000 मिलने लगते हैं। जो मैं कमा रही हूँ अपनी सेल्फ स्टडी में ही लगा रही हूँ। गीजगढ़ ज्ञान केंद्र से मेरा यही कहना है कि इसने बहुत से लोगों को तरक्की पर ले जाया गया है इसके माध्यम से, तो लड़कियाँ इससे जुड़ी रहे और अपने भविष्य की ओर अग्रसर हो। मेरा नाम संजना सैकड़ा है, मैं गीजगढ़ में रहती हूँ, गीजगढ़ ज्ञान केंद्र के पास। और मैंने गीजगढ़ ज्ञान केंद्र से सिलाई सीखी, और यहाँ पर बैग में गीजगढ़ ज्ञान केंद्र में बैग मिलते हैं, उन बैगों को सिलते हैं और घर के कपड़ों को भी सिलते हैं, और पास में जो सिलाई आती है उनको भी सिलते हैं, और महीने के 2000 रुपये कमा लेते हैं। और आगे हम बड़े बड़े टेलर बनना चाहते हैं, और सभी लोगों के कपड़े सिलना चाहते हैं, ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं। मेरा नाम पूजा सैन है, मैं गीजगढ़ ज्ञान केंद्र में से जो थैले मिलते हैं वो लेके जाती हूँ, और फिर घर जाके सिलती हूँ। घर के थैले भी सिलती हूँ, और बाकी के पड़ोसियों के कपड़े भी सिलती हूँ, अपने घर के कपड़े भी सिलती हूँ, और मैं महीने के 2000 रुपये कमा लेती हूँ। और गीजगढ़ ज्ञान केंद्र से मैं और कुछ काम चाहती हूँ, ताकि और कुछ काम आए और हम आगे और कुछ काम करें, और मैं अच्छी टेलर बनना चाहती हूँ जिससे ज़्यादा पैसे कमा सकती हूँ। मैंने सिलाई गीजगढ़ ज्ञान केंद्र से सीखी। मेरा नाम ज्योति गंगवाल है, मैंने सिलाई लाइब्रेरी में सीखी थी, और मैं थैले भी सिलती हूँ, वहीं से लेके जाती हूँ, थैले भी सिलती हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि थैले सिलती हूँ, पड़ोसियों के कपड़े भी सिलती हूँ, और महीने के 1000 रुपये कमा लेती हूँ। और मैं ये चाहती हूँ फिर और काम आए, काम करे और कुछ सीखे। मेरा नाम प्रियंका शर्मा है, वैसे मैंने यहाँ पे लाइब्रेरी के थ्रू उसमें काम किया है ताराक्षर में, और मैंने सिलाई भी सीखी है, और सिलाई मैं करती हूँ, मैं खुद के कपड़े खुद ही सिलती हूँ, और लोग जो आते हैं उनके भी कपड़े सिलती हूँ। इससे मुझे बहुत अच्छी इनकम भी हो रही है। लगभग कितनी इनकम हो रही है आपको? मेरे लगभग करीब 2500-3000 रुपये मैं कमा लेती हूँ इसके थ्रू, घर बैठे बैठे ही नॉर्मली। उसमें ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता मेरे को कि ज़्यादा ही कि मैं बोलती हूँ किसी से, या जो आ जाता है नॉर्मल उसमें कमाती हूँ, खुद के कपड़े खुद सिलती हूँ। मेरा नाम है अंशा, मैं यहाँ पर ही कपड़ा सिलती हूँ घर पर ही बैठ के, और घर का काम भी करती हूँ, और 2-2.5 हज़ार रुपये कर लूँ, बालक भी रखती हूँ, और लाइब्रेरी में सिलाई करी है, नहीं सीखी है मैंने, सब कुछ सिलती हूँ, पेटीकोट, ब्लाउज, ब्रुसेट सब। मेरा नाम पूनम शर्मा है,
मैं गीजगढ़ से हूँ। मैंने लाइब्रेरी में सिलाई सीखी और मैं पेटीकोट ब्लाउज सिल लेती हूँ। महीना का 600-700 रुपये कमा लेती हूँ घर बैठे, और मैं बाहर की सिलाई भी कर लेती हूँ। तो मैं अपने कपड़ों अपने खुद के कपड़े सिल के पैसों की मदद करती हूँ, बचा लेती हूँ पैसे, जो घर में थोड़ी सी मदद कर दे घर के कामों में। और जैसे लाइब्रेरी में और भी काम आते हैं उनमें मैं मदद करती हूँ, और उन कामों से मैं अच्छा इनकम भी कमा लेती हूँ। मेरा नाम हेमलता शर्मा है, मैं गीजगढ़ में रहने वाली हूँ, और मैं गीजगढ़ ज्ञान केंद्र से सिलाई सीखी हुई हूँ। मैं घर बैठे सिलाई करती हूँ और सिलाई से मेरे को काफ़ी इनकम है, जैसे 4-5 हज़ार रुपये कर लेती हूँ, और काम करने के ऊपर है, और कम लागत में ही अच्छी इनकम हो जाती है। जैसे गट्टक 2 रुपये की आती है और सूट सिलते हैं तो 100 रुपये का होता है। और गीजगढ़ ज्ञान केंद्र में जितना भी काम आता है वो सब में मैं भाग लेती हूँ, और अब आएगा उसमें भी लेंगी, और इससे मेरे को काफ़ी फायदा है। मेरा नाम मिली विश्वास है, मैं गीजगढ़ गांव से हूँ। मैंने गीजगढ़ ज्ञान केंद्र में सिलाई सीखी थी, मुझे सीता आंटी जी ने बहुत अच्छे से सिलाई सिखाई थी, और सिलाई के बाद में मैं अब अच्छे से मतलब सिलाई कर लेती हूँ। सिलाई करने के बाद में मैं घर पे बैठ के 2-3 हज़ार रुपये कमा लेती हूँ दूसरों के कपड़े सिल के। तथा गीजगढ़ ज्ञान केंद्र में जितने भी शिविर लगते हैं या फिर जितने भी ट्रेनिंग होती है मैं उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हूँ। अभी जैसे ब्यूटी पार्लर सिखा रहे हैं तो मैं वो भी सीख रही हूँ, कंप्यूटर भी सीखा मैंने यहाँ से गीजगढ़ ज्ञान केंद्र से, हमें बहुत फ़ायदा होता है। मेरा नाम ममता जहांगीर है, लाइब्रेरी की तरफ से मैं सिलाई सीखी हूँ। और मत करे, आप महीने में कितना पैसा कमा पाती हैं? महीने में कमा लेती हूँ 1,000-1,500 रुपये। मैं नाम सीता पटवा है, मैं लाइब्रेरी से सिलाई सीख वो सीखी हूँ, 500-600 रुपये कमा लेती हूँ। मैं आगे और सिलाई कर चुके और धंधा करना चाहती हूँ। मीना विश्वास, मैं सर मैं रीड इंडिया से ना लाइब्रेरी की तरफ से सिलाई सीखती, और मैं महीने में 2500-3,000 रुपया कमा लेती हूँ, और यहाँ से मेरे घर का खर्चा भी चलती हूँ। यहाँ से मैं बहुत खुश हूँ, मैं आगे भी कमाना चाहती हूँ अगर काम मिल जाए तो। मेरा नाम मीरा सैनी है, लाइब्रेरी की तरफ से मैं सिलाई सीखना सीखी हूँ। महीना का मैं 400-500 रुपये कमा लेती हूँ और धंधा सीखना चाहती हूँ। मेरा नाम सोनिया है, और मैं लाइब्रेरी की तरफ से सिलाई सीखना चाहती सीखी, और महीना में 200-300 रुपये कमा लेती हूँ, और मैं और धंधा चाहती हूँ। मेरा नाम श्रीमती ममता दे ममता सैनी है, और मैं लाइब्रेरी की तरफ से सिलाई सीखना सीखी हूँ, और मैं महीने के 1,500 रुपये कमा लेती हूँ, और इससे मेरा घर का खर्चा चल जाता है, और मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। जी मैं कविता मुदगल हूँ, पास में रहती हूँ या इनके सिलाई सेंटर वालों की, ये मुझे सिलाई सिखाते हैं। घर का खर्च करती हूँ, घर की सिलाई करती हूँ, बाहर की करना मुझे पसंद नहीं, मेरे हस्बैंड नहीं करवाते हैं बाहर की, इसलिए मैं घर की सिलाई जो ब्लाउज है जो भी वगैरह है मेरे घर का सारा काम कर लेती हूँ सिलाई। मतलब घर में कितने पैसे, मतलब बाहर की बजाय खुद ही सिल रहे हो ना, तो कितने पैसे बचा पाते हो? कम से कम 5-6 हज़ार में मैंने बचा लेती हूँ घर की सिलाई के। हाँ महीने की। मेरा नाम पुष्पा जहांगीर है, मैं कपड़े सिलाई सीखी हूँ मैं, और लाइब्रेरी की तरफ से सीखी हूँ, और 1,500 रुपये कमा लेती हूँ। मेरा नाम भगत सैनी है, मैंने लाइब्रेरी की तरफ से सिलाई सीखी है, और आगे काम चाहती हूँ। मैं महीने में 400-500 रुपये कमा लेती हूँ। भारती देवी प्रजापत, लाइब्रेरी से सिलाई सीखी, इससे मुझे यानी कि सिलाई में कुछ फ़ायदा भी हुआ, उससे कुछ घर के खर्चे के लिए कुछ पैसा भी बचा लेती हूँ। और कितना पैसा कमा पाते? 2,000 रुपये तो महीने में कर ही लेती हूँ, आगे नहीं सिलाई का धंधा चाहती हूँ। मेरा नाम कलावती जंग, और मैं काम चाहती हूँ लाइब्रेरी की तरफ से, मैं सीखी हूँ, और मैं सीख के आगे मैं धंधा भी कर लिया, धंधा करके मैं और को भी सिखा दिया, सिखा के मैं 5-6 हज़ार रुपये मेरे महीना के कमा लेती हूँ, फिर मैं और भी आगे को धंधा चाहती हूँ और बढ़ जाऊँ। मेरा नाम पूनम है, मैं गीजगढ़ की रहने वाली हूँ, सीता आंटी जी ने मुझे सिलाई सिखाई है सिलाई केंद्र में। और उससे क्या फ़ायदा हुआ आपको? उससे मैंने अपनी खुद की दुकान खोल ली, और दूसरों के कपड़े भी सिलती हूँ, खुद के भी सिल लेती हूँ। और महीने में कितना फ़ायदा हो रहा है? महीने में
2000 फायदा हो रहा है। आगे आप क्या चाहते हो? आगे मैं चाहती हूँ कि मेरी सिलाई और मतलब और आए और मैं और सिल सकूँ। मेरा नाम कांता खटेक है, मैं गीजगढ़ के निवासी रहने वाली हूँ और गीजगढ़ में सीता मैम के पास में मैंने सिलाई सीखी है और मैं यहाँ पर सिलाई कर रही हूँ। मैंने दुकान खोली है, सिलाई सीखने के बाद में दुकान में मैं कपड़े सिलती हूँ और अपना रोटी रोजगार संभालती हूँ। महीने का मैं 5000 4000 कभी 3000 भी कर लेती हूँ सिलाई के ऊपर। मैं ये चाहती हूँ कि मेरा थोड़ा कारोबार बढ़े और पैसे ज़्यादा इकट्ठे हो, जिससे कि मेरे बच्चों का मैं ठीक ठाक से पालन कर सकूँ।